तो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है सबके? आई होप गाइस सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही रहने चाहिए, ठीक है। तो आज गाइस मेरा इंजरी का एक महीना कंप्लीट हो चुका है गाइस। जी हाँ, आज 14th of September है, तो पिछले 14th of September को मेरा हुआ था एक्सीडेंट। तो भाई पूरा एक महीना हो गया यार एक्सीडेंट को, और मैं आज भी कहाँ पे हूँ, बेड पे हूँ। आज मैं फिर डॉक्टर को दिखाने गया था यार, फिर आज मतलब वो आए थे अमृतसर ऐसे, वहाँ पे है ना उनका मेन, उनका जो हॉस्पिटल है वो वहाँ पे, ये क्लिनिक जो है अमृतसर में, बट वो अपने एयरपोर्ट वाली साइड भी है उनका एक क्लिनिक है, वहाँ पे आते हैं उनको, मतलब दिखा सकते हैं हम। अमृतसर कौन जाए यार बार बार यार, समझ सकते हो ना आप लोग, मिडिल क्लास फैमिली के थोड़े डिसएडवांटेजेस होते हैं ना इन चीज़ों में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाई। अब कितना ही पैसा खर्चे यार, आगे इतना खर्च दिया भाई मेरे ऊपर। तो भाई ये सब बातों को साइड पे रखते हैं, ये होती रहेंगी। डॉक्टर से बातचीत हुई, उन्होंने पूरा चेक किया, पूरे मतलब इंजरी वगैरह देखी मेरी, तो उन्होंने एक चीज़ कहा यार, उन्होंने जो कहा ना, बताऊँ आपको? नहीं मैं बता ही देता हूँ यार। तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि इसका प्लास्टर, समझ रहे हो, प्लास्टर उतर रहा गाइस। तो प्लास्टर गाइस उतार दिया, फाइनली प्लास्टर उतार दी। प्लास्टर एक चीज की मतलब उसकी इतनी जरूरत नहीं थी, मेरा जो अंगूठा है ना वहां पे मेरे को प्लास्टर की मेन जरूरत है, क्योंकि फ्रैक्चर अभी भी वहां पे ही है, बट बाकी सब मेरा जो है जहां पे मतलब कट वगैरह लगे थे, स्टिचेस आए थे, वो सब उतर गए थे पिछली बार जब चेक करवाया था। तो इस बार उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अब गर्म पट्टी कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ यार। ये देखो गाइस, तो ये मैंने गर्म पट्टी की हुई है, घर पे बैठा हुआ हूँ यार, सब ठीक हो गया हुआ है। इनफैक्ट मेरा हाथ भी प्रॉपर ठीक हो गया हुआ है, उन्होंने बोला अब हाथ ठीक हो गया हुआ है, यहाँ से भी जख्म अब निकल गया हुआ है, अब नहीं आ रहा तक वो, मतलब कि हील अप हो गया हुआ है ऑलमोस्ट, बाकी यहाँ से पूरा का पूरा रिकवर हो गया है, यहाँ पे भी रिकवर हो गया, बस एक ये जितना मेरा हाथ है ना यहाँ पे इतना सा ना थोड़ा मतलब इतना सा आप देख सकते हो ये, हाँ जूम हो, हाँ ये इतनी सी जगह जो है ना अभी भी थोड़ी सी खुली है, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर वो लगाओ, इतनी सी जगह जो रह गई है ना वहाँ पे, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि वो करो अपना बीटाडीन लगाओ, उसके ऊपर एक जेल दी है वो लगाओ, फिर उसके ऊपर वो एक पट्टी होती है डॉक्टर की जो पट्टी होती है ना वो लगाओ, उसके ऊपर कॉटन लगाओ। तो उसके बाद गर्म पट्टी लगाओ, तो गर्म पट्टी मैंने लगा दी, सब कुछ कॉटन अंदर है सब मतलब लगा दिए, बाकी ये रहा मेरा वो नाखून भाई, देख सकते हो आप, ये हालत है इसकी, यहाँ से साइड से तो ठीक है, बस ये नाखून उन्होंने देखा तो वो कह रहे हैं कि अब ये नाखून जो है ना ये अब उतरेगा, तो इसके अंदर से जब नया नाखून निकलेगा ना तो ये अपने आप उतर जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो गया हुआ है, देखो ना आप सब, आपके सामने गाइस पूरा का पूरा काला हो गया हुआ है यार, ये देखो। तो मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो कल गाइस पता मैं कैसे गया था, कल मैं गया था बाइक पे गया था भाई। एक्चुअली रास्ते में हम मतलब जा रहे थे, हम गाड़ी पे ही जा रहे थे, घर वालों के साथ जा रहे थे, तो टायर हो गया पंचर, मेरे टाइम हो गया हुआ था ऑलमोस्ट मतलब 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम था, जब मुंह वालों का एक्सटर्नल चल रहे हैं सभी कॉलेजेस के, सेमेस्टर मेरा खत्म होने को आया ये वाला भी, तो 140 हो गए हुए थे ऑलमोस्ट, हाँ जी हाँ 140 हो गए हुए थे, तो 140 और 2 में कितना ही टाइम रह गया, तो यूनिवर्सिटी पास थी, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैं भाई जल्दी आ लेने, तो जैसे ही लेने आया वो बाइक पे आया, तो घर वाले कहते नहीं मैंने नहीं जाने देना, फिर मैंने बोला मैं यही सामने यूनिवर्सिटी है मैं चले जाऊँगा, पहुँच के फिर उनको कॉल वगैरह की, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है, फिर जाके मैंने एग्ज़ाम दिया। तो काफ़ी लोग मेरे को बोल भी रहे थे भाई तू यूट्यूब में कुछ डाल नहीं रहा, क्या हो गया है, ये है वो है, तो भाई उन्होंने मेरी वीडियोस तो देखी नहीं होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जो उनको जानते वगैरह हैं जो मेरे मतलब क्लोज हैं ज़्यादा, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करो, ये बहुत ज़रूरी है भाई दिखाना यार, भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी जो मेरा एक्सीडेंट हुआ ये वाला, मेरे को बंदा मिल जाए मैं सच्ची कह रहा हूँ मैं टच टच कर दूंगा उसको। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, कैसे कर देंगे ऐसे ऐसे करेंगे।
तो काफी सारे लोग मेरे को बोल रहे थे भाई तुम बहुत बहुत मतलब बहुत कम डाल रहे वीडियोस भाई, अब खुद समझो यार, मेरे को लगी हुई है, मैं घर पे बैठा हूँ, सुबह शाम घर पे बैठा होता हूँ और ये मेरे को बोल रहे हैं तू वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा। भाई शॉर्ट्स डाल रहा हूँ मैं, अपने जो मैंने स्टंट्स वगैरह किए हुए हैं उसके शॉर्ट्स मैं डालते रहता हूँ यूट्यूब में, अगर जो जो एक्टिव है यूट्यूब में ज़्यादा जो देखते रहता है मेरे मतलब वीडियोस को उसको पता होगा कि मैं शॉर्ट्स ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बाहर के नज़ारे नहीं दिखा सकता गाइस, सॉरी फॉर दिस यार, बट थोड़ी मजबूरी समझो यार, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। बाकी मैं इंस्टाग्राम मेरा ये आया टन, यहाँ पे इंस्टाग्राम मेरा आया है तो इसको देख लो जाके, मतलब फॉलो करो जाके, मेरे डेली अपडेट्स वहाँ पे आते रहते हैं। तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा इंस्टाग्राम के, अपने आईडी का जाके फॉलो कर लो गाइस, इंस्टाग्राम पे भी जुड़े रहो। नहीं तब तक के लिए चलता हूँ मैं यहाँ से, मिलूंगा किसी नई वीडियो पे, साइनिंग ऑफ रैश राइडर।